16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना की पाकिस्तान पर विजय और 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण कराने के उपलक्ष्य में हिंदू सेवा दल अजमेर के संस्थापक आर के महावर के नेतृत्व में बजरंगढ़ स्थित विजय स्मारक पर 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को दीपदान करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही सन 2012 में निर्भया दामिनी के साथ हुए अत्याचार को याद करते हुए बालिका महिलाओं को संरक्षण देने और निर्भया के साथ घिनौना काम करने वालों को फांसी की सजा देने की मांग की है। आज हिंद सेवा दल अजमेर द्वारा 1971 में पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ उसके विजय दिवस के पर आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हिंद सेवा दल सदैव महापुरुषों के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करता है। हमारा एक ही उद्देश्य होता है, इस देश के लिए काम करना, नई पीढ़ी को जगाना है इन कार्यक्रमों के माध्यम से, ताकि नई पीढ़ी आने वाली इस समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सके। एक ये छोटा सा हमारा उद्देश्य है। और आज ही के दिन सन 2012 को दामनी का जो बलात्कार कांड हुआ उसको भी हमने आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित करके श्रद्धांजलि दी गई, और बजरंगढ़ में सभी हिंद सेवा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।